राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ, तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख, बोलो क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं? उत्तर दे मूर्ख। ओ, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शठों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूँ कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूँ, निकालो इस ब्राह्मण को यहाँ से। मैं कुत्ता नहीं हूँ धनानंद, जिस स्वामी की ठोकरे खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। ब्राह्मण अवध है, जो हाथों में तलवार थमाना जानते हैं वे अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का पैसा नहीं। कल तेरा द्वितीय जन्म होगा चंद्रगुप्त।